जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटर रेन वेसल का निर्माण करेगी फ्रेंड? तो ये फ्रेंड ये है कोचिन शिपयार्ड, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण में के एक साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। चलते आगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जारी मूडीज की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर क्या रहेगी? तो फ्रेंड ये 7% बताई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, चलते आगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 75 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है फ्रेंड? जैसा कि वो पीछे में देख रहा होगा, ये लवलीनी है जिन्होंने 75 किलोग्राम में एशियाई मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, इन्होंने 75 किलोग्राम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन ए मधु कंकारिया, इनको 31वें, और डॉक्टर माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। मधु जी को 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया है, और वहीं डॉक्टर माधव हाडा को 2015 की पुस्तक पंचरंग चोला पहर रखी ली के लिए सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड याद रखना दोनों ही। चलते आगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या रखी गई फ्रेंड्स? सारी तो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, इस साल की थीम रखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, सो आपको याद रखना है ये। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड ये टोटल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति कंबोडिया के दौरे पर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये 4 हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायत्रा रेलवे स्टेशन में 2 ट्रेनों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है मैसूर और किसके बीच चलाई गई है फ्रेंड? तो ये मैसूर और चेन्नई के बीच चलाई गई है फ्रेंड। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो वहाँ पर प्रदान की गई है, तो मैसूर से चेन्नई के बीच में ये चलाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, 11 नवंबर को बेंगलुरु में संगोली रायत्र रेलवे स्टेशन से 2 बहुप्रतीक्षित ट्रेनों मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और फ्रेंड अगर देखें तो तकरीबन बताते हैं वंदे भारत जो की गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड ये भी। ठीक है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद के वित्तीय पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड? तो फ्रेंड ये आयोजन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 18 नवंबर को ये आयोजन किया जाने वाला है, तो इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखना चाहते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को राष्ट्र को किस दिन समर्पित किया? तो फ्रेंड ये है 12 नवंबर को ये समर्पित किया था। जो
रामाकुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इससे पहले जो हमारा FCI संयंत्र के बंद होने के बाद 2 दशक के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया और इसको फिर से राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन सी, नताशा पिकर मुसुर को स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में चुना गया है और ये वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, या नाम याद रखना। सो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। फ्रेंड फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें और एग्जाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्रेंड बेल आइकन क्लिक करके रखें ताकि आपको टाइम पे इंपॉर्टेंट नोटिस आपके पास पहुंचते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।